नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडसेंस पिक्स किस तरह से करते हैं। पूरा प्रैक्टिकल इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक बेल आइकॉन का ऑप्शन मिल रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए, अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और जो एडसेंस अकाउंट है वो सबसे पहले सेटअप करते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। अभी हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। ये जो सर्च बार है यहाँ पर हमें एडसेंस लॉगिन इस तरह से सर्च करना है। उसके बाद में जो पहला वाला ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू इंटरफेस आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर न्यू इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी आईडी है वो हमें देखने को मिल रही है, और अभी मैं यहाँ पर ये जो आईडी है गामित विपुल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर मेरा एडसेंस अकाउंट है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमें एडसेंस का अकाउंट देखने को मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट पूछेगा, तो हमारी वेबसाइट तो नहीं है तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर नीचे एक टिक का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अभी क्या इंटरफेस आता है वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एडसेंस अकाउंट है वो हमारे पास खुल गया है। तो कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमें ये सारा एडसेंस अकाउंट हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये थ्री लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एडसेंस फॉर यूट्यूब इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा न्यू अकाउंट है और अभी यहाँ पर 00 दिखा रहा है, ठीक है। तो फाइनल ये एडसेंस अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से मैंने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करा, और उसके बाद में सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्ट करना था टर्म एंड कंडीशन, वो एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर फाइनली जो एडसेंस अकाउंट है वो भी एक्टिवेट हो गया। इस तरह से आप भी एक्टिवेट कर सकते हैं एडसेंस अकाउंट को, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएगा, और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खास इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू।